डालते हैं नजर फटाफट खबरों की ओर। चीन ने भारत में भी भेजा था गुब्बारा हथियार, अमेरिका को डर, परमाणु हमले के लिए खुफिया टेस्टिंग कर रहा चीन। राहुल बोले योगी आदित्यनाथ ठग है, कहा भगवा पहनने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। बीजेपी यूपी में अधर्म फैला रही है। तुर्की सीरिया में भूकंप के 40 घंटे 243 आफ्टर शॉक, दोनों देशों में 7000 बिल्डिंग धराशायी, मलबे में हजारों फंसे, 4300 से ज्यादा मौतें। शोपिया के चौधरी गुंड से पलायन कर गए सारे कश्मीरी पंडित, अनंतनाग में बंटू शर्मा के मर्डर के बाद पड़ोसी का बेटा बना आतंकी। विक्टोरिया गौरी को जज बनाने के खिलाफ याचिका खारिज, वकील की दलील हेड स्पीच दी, सुप्रीम कोर्ट बोला 2018 में दी थी, कॉलेजियम ने ये देखा होगा। 13 दिन बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% चढ़े, 1800 रुपए के करीब पहुंचा, एक दिन पहले प्रमोटर्स ने 9000 करोड़ रुपए का लोन पेमेंट किया था। कियारा सिद्धार्थ आज लेंगे 7 फेरे, शादी की रस्म सूर्यगढ़ की बावड़ी में होगी, मेहमानों के लिए जैसलमेर का खास घोटवा लड्डू। नोरा फतेही ने दुबई में सेलिब्रेट किया अपना 31वां बर्थडे, शिप पर दोस्तों संग किया बैले डांस, फ्लोरल आउटफिट में लगी बेहद गॉर्जियस। राहुल द्रविड़ ने बदलवा दी नागपुर टेस्ट की पिच, घास ने खुश नहीं थे टीम इंडिया के कोच, बदली गई साइड स्पिन की पोजीशन। एरोन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 2021 में जिताया वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट T20 रन स्कोरर। फिलहाल इतना ही, खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नव भारत टुडे। नमस्कार।